आज एडीजी ने लखनऊ जोन पहुंचकर निम्नलिखित बातें कही। ब्रजभूषण से की गई खास बातचीत, 8 महीने में अच्छा काम हुआ है। अपराधियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। सारे त्योहार अच्छे माहौल में संपन्न हुए हैं। मादक पदार्थ का धंधा, गौक्सी, इन सब पर और कार्यवाही करने की आवश्यकता है। दुर्गा पूजा व अन्य त्योहारों पर चर्चा की गई। नवरात्र में होने वाले आयोजनों के आयोजकों के बीच पुलिस संबंध स्थापित करेगी। जो भी अच्छा काम करेगा उससे हमेशा इनाम मिलेगा। स्वागत जिंदगी के लिए उन्नाव सिटी इंचार्ज आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जो कुछ घटनाएं हुई भी हैं, अच्छी कार्रवाई भी हुई है, जो 7 किस्म के अपराधी हैं, माफिया टाइप के अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों की लगभग 13.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। शराब माफियाओं की भी लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। गंगा घाट में भूमाफियाओं की लगभग 6.25 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। लगभग 125 अपराधी जिला बदर भी किए गए हैं। सारे त्यौहार इस बार बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुए, कहीं कोई किसी की बात नहीं हो पाई है। भविष्य में हमारे कुछ त्यौहार अभी आने वाले हैं। नवरात्रे का त्यौहार शुरू होने वाला है, फिर दशहरा आएगा, हमारा बरसात भी आएगा। इनके बारे में मैंने सबको निर्देश दिए हैं कि इनकी तैयारी कर ली जाए। सारे आने वाले त्यौहार संवाद के माध्यम से, पुलिस बंदोबस्त के माध्यम से अच्छे माहौल में संपन्न हों। आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका थाने लेवल पर निस्तारण हो। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि IGRS की व्यवस्था ऑलरेडी हो गई है। जो आवेदक संतुष्ट नहीं होते हैं, थाना लेवल पर सुनवाई नहीं होती है, हमारे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ऑनलाइन के थ्रू डालते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ से हर थाने की परफॉर्मेंस, हर जिले की परफॉर्मेंस, जन शिकायतों के बारे में आकलन जिनका किया जा रहा है। कुछ थानों की परफॉर्मेंस इस संबंध में अच्छी नहीं थी, उनको मैंने चेतावनी दी है कि जो कमिंग महीना है उसमें जो उनका रैंकिंग आई है उसमें अच्छा सुधार आना चाहिए। यदि नहीं आएगी तो जवाबदेही तय होगी। महिला संबंधी अपराधों में काफ़ी कार्य हुआ भी है और फिर मैंने कहा है कि और अधिक